इन दिनों शेयर बाजार में आईपीओ की बहार है। एक तरफ एक कंपनी का आईपीओ बंद हो रहा है तो दूसरी तरफ नई कंपनी का आईपीओ खुल रहा है। नवंबर महीने में 10 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री ली है। इस हफ्ते 3 ऐसी कंपनियां हैं जो आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री लेने वाली हैं, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इन कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाने का मौका मिल रहा है। ये तीनों कंपनियां शेयर बाजार में आईपीओ लाकर 1858 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव, आप देख रहे हैं zbusiness.com। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन सी वो कंपनियां हैं जो इस हफ्ते अपना आईपीओ लेकर आने वाली हैं, इन आईपीओ का इशू प्राइस क्या है, इनका साइज क्या है और निवेशक यहां पर कब तक पैसा लगा सकते हैं। सुला माइन यार्ड्स का आईपीओ 12 दिसंबर से खुल गया है, यहां निवेशक 14 दिसंबर तक पैसा लगा सकते हैं। इस आईपीओ की लिस्टिंग 22 दिसंबर को होनी है। कंपनी ने आईपीओ का इश्यू प्राइस 340 से 357 के बीच रखा है और इसका साइज 960 करोड़ रुपए है। रिटेल निवेशकों को पैसा लगाने के लिए कम से कम एक लॉट खरीदना होगा। एक लॉट में 42 शेयर हैं, यानी कि निवेशकों को 14,994 रुपए निवेश करने होंगे। दूसरी कंपनी जिसका आईपीओ इस हफ्ते खुल रहा है वो है अबंस होल्डिंग्स लिमिटेड। कंपनी का आईपीओ भी 12 दिसंबर से पैसा लगाने के लिए खुल गया है। 15 दिसंबर निवेश की लास्ट डेट है, 23 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 256 से 270 रुपए के बीच रखा है और आईपीओ का साइज 345 करोड़ रुपए है। कंपनी ने 55 शेयरों का एक लॉट जारी किया है जिसकी वैल्यू 14,850 रुपए होगी। ये वैल्यू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। तीसरी कंपनी है लैंडमार्क कार्स। कंपनी का आईपीओ 13 दिसंबर से खुल रहा है और निवेशकों के पास इन्वेस्ट करने के लिए 15 दिसंबर तक का टाइम है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 23 दिसंबर को होनी है। कंपनी ने इशू प्राइस 481 से 506 रुपए के बीच तय किया है और इसका साइज 552 करोड़ रुपए बताया गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने के लिए एक लॉट खरीदना होगा जिसमें कम से कम 29 शेयर होंगे और इसकी वैल्यू 14,674 रुपए है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस आईपीओ पर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं।